अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और मैंने व्लॉग जो है जब मुस्तफ़ा हनीफ़ के स्टॉल से आ रही थी वहीं से दूसरा स्टार्ट करा था, क्योंकि मुस्तफ़ा हनीफ़ का जो मैंने व्लॉग बनाया था उसमें जो है काफ़ी लंबी वो वीडियो हो गई थी। तो मुझे जाना था शॉपिंग पर, मुझे अपना सूट लेना था, तो इसलिए स्टार्ट ने कहा कि अभी हम निकले हैं तो चलो फिर बाज़ार चलते हैं। और अच्छा है तुम्हारे सूट से भी फारिग हो जाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा उसको सिलने में भी और फिर टाइम भी बहुत कम रह गया है। तो मैं अपने बच्चों को अपनी बहन के घर पे मैंने छोड़ दिया था और मैं आ गई थी इसरार के साथ शॉपिंग करने। तो यहाँ मैं मार्केट में आई थी तो काफ़ी कपड़े मुझे नज़र आ रहे थे, लेकिन वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही थी जो मुझे लेना था। तो बहरहाल देख लीजिएगा आगे आप किस तरह के सूट हैं। तो यहाँ मैं एक बात कहूँगी कि मैंने आज इसरार से आप लोगों की वजह से जो मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे काफ़ी गलत भी आ रहे थे और कोई फजूल बातें भी कर रहे थे, और बहुत से लोग रिएक्शन चैनल जो है हेटर्स के वो लोग भी सितारे पे बहुत फजूल बातें कर रहे थे। तो मैंने यहाँ पर इसरार से अपडेट ली और मैंने उनसे कहा कि आप कुछ बताइए मेरे चैनल के थ्रू, अपने चैनल पर आप बाद में बता दीजिए, अभी आप इस पर बता दें ताकि जो है लोगों की बहुत सी गलत फहमियाँ दूर हो जाएँ। वो बहुत प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और गलत बयानी कर रहे हैं। तो मैंने इसरार से एक छोटा सा इंटरव्यू भी लिया है, तो वो आगे आपको नज़र आ जाएगा। वो वीडियो छोटा सा मैंने बनाया इनका इंटरव्यू का, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें क्लियर करी है। तो यहाँ मैं ले रही थी चादर और चादरें भी मुझे लेनी थी, तो मैं तो बना रही थी वीडियो तो इसरार ही देख रहे थे, तो मैं थक भी गई थी क्योंकि सुबह के निकले हुए थे। तो खैर मैंने चीज़ें ले रही थी, तो मैंने दुपट्टा भी डाई करवाना था, यहाँ मैंने डाई किया। और उसके बाद जो है मैंने दुपट्टा लेने के बाद यहाँ डाई कराने के बाद मैं अपनी बहन के घर चली गई। मुझे अपने बच्चों को लेके घर जाना था, लेकिन बहन ने कहा नहीं अफ्तारी करके ही जाना, तो इसलिए मैं बैठ गई। तो चले फिर आगे की वीडियो देखें। ये क्या पका रही, कढ़ाई? कच्चे समोसे, ये सब। और ये बॉक्स पैटीज है ना, मैक्रोनी के चिकन पैटीज मिलते ना मोहिस के है, जबरदस्त। अम्मा किसी दिन अपनी बिरयानी की ना रेसिपी शेयर करना। देखो मैंने फ्लैश लाइट फिर चलाना भूल गई। तो एक मिनट, ये सब पकोड़े, वाह। आलू प्याज, आलू भी डाले प्याज में ना, आलू प्याज पुदीना, अच्छा जबरदस्त। ये है अफ्तारी और सारी चीजें तैयार हो गई हैं, सारी चीजें। हाँ। हम भी अचानक आए ना, तो जो है तो बस अल्लाह का शुक्र है। अभी शरबत आ रहा है ना, और ये इसरार सलाम तो कर दें। अब आप आजकल वीडियो नहीं बना रहे, लोग आपसे कह रहे हैं आप अपने चैनल से अपडेट दें सितारा केस की। बहुत सारी अपडेट दूंगा एक साथ इंशाल्लाह, सबके मैसेजेस आ रहे हैं और लोग ये भी कह रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहा हूं सब चीजें मेरे पास रिकॉर्डेड है, इंशाल्लाह ब्रेकिंग दूंगा, ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगा। और लोग ये भी कह रहे हैं अपनी चैनल से लाइव करें। लाइव में मेरे पास टाइम नहीं मिलता, मेरा वर्किंग ज्यादा है, मेरी एक केस थोड़ी, बहुत सारे केसेस पे काम कर रहा हूं। अच्छा, अभी तो मुस्तफ़ा हनीफ के साथ भी आप है ना, मुस्तफ़ा हनीफ के साथ बिल्कुल तरह के भी ऊपर आप अपने चैनल से अपडेट जरूर दिएगा कोर्ट से। एफआईए का लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, किसी को फोन नहीं गया, ये लोग कह रहे हैं। अब जितने मुंह उतनी बातें, इसमें क्या बोलूं, खिलाफ बोल रहे हैं सितारे के, उसका क्या कहोगे? वो बेवकूफ़ लोग हैं, वो गलत कर रहे हैं ना, हकीकत से कोई नाशना लोग हैं हकीकत से, नहीं और वो गलत कर रहे हैं ना, कोई करे तो पता लगे ना, प्रैक्टिकल वर्क मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मुझे पता है। नहीं और वो लोग गलत कर रहे हैं ना सितारे के खिलाफ बोलकर, अभी भी जो बोला है वो खुद अपने लिए जिम्मेदार है, अपनी बात का खुद जिम्मेदार है, वो खुद भुगतेगा मुझे। सही, चले फिर नेक्स्ट आपका, आपकी वीडियो का इंतजार रहेगा सब। मेरा ख्याल है आप लोगों को बहुत सी बातें क्लियर हो गई होंगी। मैंने कुछ वीडियो बीच में से क्लिप्स काटे क्योंकि पीछे बहुत शोर की आवाज़ आ रही थी, तो सोचा मैं आपको खुद बता दूं। मैं यहाँ पर इसे पूछ रही थी कि सब हेटर्स को गए हैं ना कॉल और सबके ऊपर होगा ना एक्शन लिया जाएगा ना, तो वो कह रहे थे हाँ सबके ऊपर लिया जाएगा। और मैंने पूरा वर्क किया है भाई, और पूरी सब चीज़ें हमारे पास प्रूफ है, यहाँ सब जो मजाक उड़ा रहे हैं उन्हें मजाक उड़ाने, तो वक्त खुद ही बता देगा।
अब तो बहुत से लोग खुद मुंह से बोल रहे हैं फिर भी आप लोग नहीं समझ पा रहे, तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमने तो अपना काम करना है। और FIA की तरफ से बहुत सी चीज़ें जा चुकी है, बहुत से कॉल्स हो चुके हैं और सबसे बात हो रही है। अगर जो गलत अभी भी कर रहे हो, जो नए चैनल अब उभर के आ रहे हैं सितारा के ख़िलाफ़ बोलो, तो वो फिर अपनी ज़िम्मेदारी पे बोले, वो फिर मतलब अपनी ज़िम्मेदारी है कि वो उनके साथ अगर एक्शन लिया जाए उनके ऊपर तो वो फिर तैयार रहे। तो बहरहाल मैं यही कहूँगी कि सितारा का टॉपिक छोड़ दो, वरना फिर तैयार रहो, आपके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। तो यहाँ मैं इनसे सारे सवालत कर रही थी जो आप लोगों ने मुझसे किए थे। तो अब जो इसरार अपनी चैनल से कोई वीडियो बना के फिर अपडेट आपको देंगे और तो फिर ज़रूर देखिएगा इनके चैनल पे। इनके चैनल का नाम है इसरार खान व्लॉग, तो उसी पे सारी वीडियो आएगी। तो चले फिर आगे की अपडेट, आगे जो हमारा अफ्तारी का तो वो दुआ का वक्त हो गया था, तो फिर हमने दुआ मांगी और अफ्तारी की करी। तो फिर चले फिर आगे तो यहाँ हो गया था अफ्तारी का टाइम और हम लोग मांग रहे थे दुआ। मैंने वॉइस ओवर यहाँ इसलिए की क्योंकि पीछे जो है वो टीवी की आवाज़ आ रही थी तो कॉपीराइट का मसला हो जाता है। तो यहाँ जो है मैंने इसरार से काफ़ी अपडेट लिए, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी बात। और यहाँ मैं कह दूँ, नए हो या पुराने चैनल हो, सब पे एक्शन लिया जाएगा। जो पुराने चैनल है उन पे तो एक्शन लिया गया है और किसी को छोड़ेंगे नहीं, पुराने चैनल किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, सब पे एक्शन है। सबके पास रिकॉर्ड, हमारे पास सबके पास सबका रिकॉर्ड है। तो वो जिस तरह बहुत से मेरे पास एक मैसेज कमेंट आ रहा है बार बार कि वो नहीं चुप हो रही, वो चुप नहीं हो रही, तो बस यही कहूँगी कि आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, सब चुप हो जाएंगे। जो नए हैं वो उनको भी शटअप कॉल दी जाएगी। तो बहरहाल आज मैंने बहुत सी बातें क्लियर कर दी हैं, बाकी हर चीज़ में देखें थोड़ा थोड़ा वेट करें, थोड़ा इंतज़ार होता है। और अब हर चीज़ जब सामने आ रही है तो फिर आपको फिर यकीन करना चाहिए। अगर यकीन नहीं भी करेंगे, हमने तो अपना काम करना है और काम होगा और हो रहा है और रिज़ल्ट आप सबके सामने आ रहा है। तो चलें मुझे दे इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर रहें तो सब्सक्राइब करिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।